तो वेलकम टू एलियन टीवी गाइस, मैं हूँ अली और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ वकांडा फॉरएवर का टीज़र जो कॉमिक कॉन में रिलीज़ हुआ था। हाँ आई नो थोड़ा लेट हूँ बट क्या करूँ, मुझे टाइम अब मिला। प्लस आई डोंट नो व्हाट दे आर गोना डू टू दिस मूवी आफ्टर लाइक चैडविक बोसमैन के बाद। मुझे नहीं पता ये मूवी किस डायरेक्शन में होने वाली है। प्लस काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी इसके बारे में लाइक अभी कोविड में लेटिशिया राइट की वजह से। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर अस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोस तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और मैं ऐसे रिएक्शंस डेली अपलोड करता हूँ, ठीक है? तो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक मोर कॉन्टेंट लाइक दिस डू कंसिडर, प्लीज देखो जाके चैनल पे क्या, ठीक है? विद दैट बीइंग सेड, ओके shed no tear, no woman, no cry. Good friends we have, and good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears. भाई भाई पानी में है ये, अटलांटियन दे क्या? लग तो वही रहा है, रैन कुगलर। ओ नेमार, नेमार भाई। नेमार को टीज कर दिया यार। आयरन हार्ट, आयरन हार्ट भाई क्या सीन था यार, बहुत पावरफुल सीन था। चाला कौन है, मतलब ब्लैक पैंथर कौन है? तो ये नेमार, कौन था वो? सूट तो नया है, बता नहीं सकते हो आप कौन है। आई मीन ट्रेलर तो अच्छा था ऑब्वियसली, जैसा होता है हर मूवी के साथ मार्वल की। पर यार मैं थोड़े से यार डिलेमा में हूँ आफ्टर वॉचिंग थॉर और डॉक्टर्स। पर मेरे को पता है कि मुझे पता है कि जैसे फर्स्ट मूवी थी ब्लैक पैंथर की, आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज जैसे इन्होंने फर्स्ट मूवी में वकांडा को सेटअप किया था, अब ये एटलांटिस को सेटअप करेंगे शायद नेमार को दिखा के। और आई थिंक प्रोबेबली शूरी तो नहीं है, शूरी नहीं लग रही मुझे। ब्लैक ब्लैक पैंथर कोई मेल है जो भी, अब मुझे नहीं पता कौन है। देखते हैं भाई, होप्स मैं नहीं लगा रहा हूँ इस बार क्योंकि दो मूवीज में होप लगा के गए थे और कचरा हो गया था। अभी थोड़े से सीन्स दोबारा देख लें इसके। अच्छा पहले सीन में ये है, इसके बाद आई थिंक शी इज गोना प्ले अ मेन रोल, लाइक ये थोड़ा मेन, क्योंकि ये बैठी है ना थ्रोन पे, तो आई थिंक थोड़े टाइम के लिए तो इसी को बना देंगे क्वीन, है ना? दिस कैन बी द सेरेमनी, दिस इज आई थिंक द सेरेमनी जिसमें टचाला की डेथ दिखाएंगे, फ्यूनरल बेसिकली। ओह
को ये पेइंग होमेज वही है सर। इसमें मॉर्निंग दिखा रहा है इन लोगों की, बस यहाँ से इन्होंने अटलांटिस को टीज किया है। आई थिंक ये नेमार होगा, सी देख सकते हो ये लोग अटलांटियंस भी नहीं लग रहे हैं। आई थिंक ये नेमार का ओरिजिन है, ये नेमार है लड़का। द वे इट इज शोन, सी अब ये दिखाया ना एकदम इसके बाद, आई फील के वो नेमार था। ये बहुत पावरफुल स्किन है। आई फील के हाँ एक्सपेक्टेशंस तो रेज कर दिए हैं इस ट्रेलर ने। लाइक आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चैडविक बोसमैन मेरी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से इतनी नहीं थी, पर इस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, प्लस आई थिंक ये होमेज के लिए होने वाली थी मूवी ये सोच रहा था, वो नहीं है। लाइक आई थिंक स्टार्टिंग के पार्ट में वो होगा, देन उसके बाद नॉर्मल स्टोरी। क्योंकि अगर वो बच्चा जो स्टार्टिंग में आया था ये वाले सीन में, ये जो बच्चा है अगर ये नेमार है दैट मीन्स ये पूरा ओरिजिन बताएंगे उसका, तो आई डोंट थिंक वो ज़्यादा मूवी के पार्ट में होने वाला है। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट आई थिंक अच्छी मूवी होगी अभी तक। बाकी इसका ट्रेलर शायद D23 में आएगा, अभी उसी टाइम रही है नवंबर में, शायद उससे पहले ही आ जाए या D23 में आएगा, क्योंकि लेटली मैंने देखा है ये थोड़ा लेट निकालने लगे हैं ट्रेलर्स मार्वल वाले, लाइक एक महीना पहले निकालते हैं। आई हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस मूवी एंड आई वॉन्ट टू बी सैटिस्फाइड। लाइक बहुत टाइम हो गया एक अच्छी मूवी देखे हुए। लाइक नो वे होम वॉज अ गुड मूवी बट इट वॉजेंट अ ग्रेट मूवी, राइट? अच्छी लगी थी मुझे, पर इट वॉजेंट लाइक एंड गेम लेवल, या कोई एंड गेम के लेवल पर भी ना हो बट अच्छी हो, तो बस यही होप है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को चेकआउट ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, और बताओ मुझे और किस चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए। बाकी यही है इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।